तो ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर आपका। देखा आपने किस तरीके से जश्न मन रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ता। अब तीनों राज्यों में अपनी सरकार आने का जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 115 सीट पर कांग्रेस की बढ़त अब साफ तौर पर देखने लगी है। बड़ी बातें अब तक की गिनती तक की हैं कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है। राजस्थान में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार वैसे ही कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सुनामी है, 66 सीटों पर कांग्रेस इस समय आगे चल रही है। मायावती ने साफ तौर पर कह दिया कि वो बीजेपी को समर्थन नहीं देंगी। तो कुल मिलाकर स्थिति इस समय यह है कि नरेंद्र मोदी लहर जो 2014 से अब तक चल रही थी माना जा रहा है, वो रुक गई है फाइनली इन तीन बड़े हिंदी भाषी राज्यों में आने के बाद, जो 2014 के चुनाव के एन पहले भी बीजेपी ने अपने नाम किए थे और अच्छे आंकड़ों के साथ अपने नाम किए थे। वो तीनों राज्य आज बीजेपी के हाथ से निकलकर कांग्रेस के खाते में चले गए हैं। और छत्तीसगढ़ में 66 सीटों के साथ कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में 115 सीटों पर कांग्रेस को इस समय बढ़त मिल रही है और राजस्थान में 104 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है, जहां बीजेपी 68 सीटों पर सिमट रही है। और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी 107 सीटें हासिल कर सकती है, ऐसा अभी तक के आंकड़े में दिखाई दे रहा है। नलिन कोहली हमारे साथ आ गए हैं बीजेपी से और आलोक शर्मा हमारे साथ आ गए कांग्रेस पार्टी से। सुनील यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आ चुके हैं। सबसे पहले नलिन कोहली साहब, क्या हुआ? मध्य प्रदेश के लिए अभी भी रुकेंगे, क्योंकि हम जैसे भी बात कर रहे हैं आप खुद ही देखिए आपके स्क्रीन पे कभी 113 कभी 115, तो मुझे लगता है काफ़ी क्लोज इलेक्शन रहेगा, आखिरी वोट तक रुकना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस को एक अच्छी जीत मिली है छत्तीसगढ़ में पूरे रूप से। मिजोरम में उनकी सरकार चली गई, तो पूर्वोत्तर में अब कांग्रेस की कोई सरकार नहीं है और मैं मानता हूँ कि ये भी कांग्रेस को आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और एक महागठबंधन का प्रयास तेलंगाना में विफल हुआ है। भाजपा के दृष्टिकोण से हमारे को इस बात के लिए देखना पड़ेगा कि तीनों राज्यों में हमारा प्रदर्शन इस प्रकार क्यों हुआ। दो राज्य तो बड़े स्पष्ट रूप से जाते हुए दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश अभी भी आशा हम रखेंगे जब तक आखिरी वोट गिनी नहीं जाती। लेकिन हाँ, क्योंकि इन राज्यों में हमारे तीन साल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीन बार सरकारें चली हैं, हम मानते हैं अच्छा काम किया है, तो क्या कारण है जिससे हम हारे हैं उस पर देखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में रुकेंगे। राजस्थान में माना जा रहा था कि शायद हारेंगे, लेकिन प्रदर्शन उतना भी खराब नहीं रहा, लेकिन हार तो हार ही होती है। लेकिन आपकी बातों से लग रहा आप कांग्रेस की हार पे ज्यादा चिंतन कर रहे हैं बजाय अपने तीन राज्य गंवाने के। नहीं, मैं सिर्फ दोनों चीजों को सामने रख रहा हूं, क्योंकि सुबह से डिबेट्स में आप भी रहे होंगे, मैं तो रहा ही हूं कई चैनलों पर, तो कई लोग जो है उसको देख रहे जैसे कांग्रेस की सुनामी। तो उसमें सत्य के रूप से देखना पड़ेगा, उसमें तेलंगाना में क्या स्थिति है, मिजोरम में क्या है। यहाँ पर हमारी हार हुई है, कांग्रेस की जीत जहाँ होती है उनको उसका श्रेय जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको तुरंत कह देना कि 2019 के संकेत है, मैं इसे भी उचित नहीं मानता, क्योंकि 2003 में हम तीन राज्यों में जीते थे, 2004 में हमारी सरकार गई। तो ठीक है, हम इस पर आकलन करेंगे। अगला राउंड जो हमारा होगा, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में कुल मिला के हमारे अधिकांश लगभग सारी ही सीटें हैं लोकसभा की, तो उस लड़ाई में अब जोर से आगे बढ़ेंगे। आलोक शर्मा जी क्या कहते हैं, 2019 के लिए आपने उम्मीदें बांधनी शुरू कर दी अभी से कि नहीं? सईद अंसारी के पास चलूं, उसके पहले आपसे सवाल पूछ रहा हूं। रोहित जी, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 65 लोकसभा की सीटें थी आज, जो जिन तीन राज्यों की हम बात मुख्य तौर पर कर रहे हैं, जहां पर 61 सीटें जो थी वो बीजेपी के पास थी। आप देखिए कि किस तरह से आज 125 विधायक इनके तीन राज्यों में घटे हैं, और फिर भी अगर ये कहते हैं कि 2014 से इस चुनाव को नहीं जोड़कर देखा जा सकता, तो ये इनका आकलन हो सकता है। हिंदुस्तान की जनता ने बहुत ही चिंतन और मनन के साथ फैसला लिया है, खासतौर पर इन तीन राज्यों की जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह से झूठ और गुमराह की फैक्ट्री मोदी जी की पूरी
जो पार्टी थी वो कर रही थी, जिस तरह से मोदी जी के बीजेपी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा था, सारा दिन हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान और गाय गऊ गंगा गीता देश को जिस तरह से गुमराह किया, अब ये नहीं चलेगा। आज मंगलवार है, हनुमान जी की जाति दलित बताई थी, आज इनको प्रसाद मिला है, अच्छे दिन देश के शुरू हो गए हैं। जहाज डूब रहा है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है इनकी। आज देश पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ गए, देश पूछ रहा है कि MSP किसानों का कहाँ गया, आज देश पूछ रहा है कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, उसका क्या हुआ। आज 2014 में जो मैनिफेस्टो था देश के सामने, जो बीजेपी रखकर चुनाव लड़ी थी कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, उसका आज देश हिसाब मांग रहा है। आलोक जी, अभी आपकी पार्टी के और प्रवक्ताओं से भी हमने बात की है, और आपसे बात करने के बाद ऐसा लग रहा है कि जीती पार्टी के प्रवक्ता से नहीं, हारी पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रहे हैं, जिसका गुस्सा निकाल रहा है वो लगातार निकाल रहा है लगातार, जबकि आपकी पार्टी के बाकी प्रवक्ता बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। किसी ने ये नहीं कहा इन्होंने क्या नहीं किया, इनको क्यों गवाना पड़ा, सबने ये कहा कि हम बड़े खुश हैं, जनता का धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे दिन तो आपकी पार्टी के आ गए आज से, जनता के अच्छे दिन तो तब आएंगे ना जब आप ये कह दें आज कि 50 रुपए हो गया आपसे 3 राज्यों में तेल का दाम। मैंने तो कहा कि अच्छे दिन की, देखिए मैं समझता हूँ अच्छे दिन केवल एक पेट्रोल के दाम कम करने से नहीं होंगे रोहित जी। एग्जैक्टली, अच्छे दिन मैं भी समझ रहा था कि अच्छा पूरी तरह से समाज में सौहार्द हो, अच्छे दाम इस चीज से भी होंगे कि अर्थ, एग्जैक्टली नहीं नहीं मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ रोहित जी कि पूरी तरह से जिस तरह का माहौल पिछले 4.5 वर्षों में केंद्र की सरकार ने और राज्यों में जिस तरह से सभी लोग भाजपा के अहंकार के रथ पर बैठकर चले, मैं तो देश की जनता की बात कर रहा हूँ। बार बार कह रहा हूँ कि चिंतन और मनन के साथ जिस तरह से वोट डाला है बीजेपी के लोग, अब समझे उस बात को जो बार बार हम कहते थे कि भाई आप जिस तरह से स्टूडियो में और गलियों से लेकर और संसद तक व्यवहार कर रहे हैं, कब तक गुमराह करेंगे आप देश को, कब तक कहेंगे कि संसद बीजेपी की नहीं कांग्रेस नहीं चलने दे रही है, कब तक कहेंगे कि किसानों के हितैषी आप ही हैं। संसद तो चलिए आज से शुरू हुई, देखने की बात होगी कि संसद में क्या होता है। सुनील यादव हमारे साथ हैं, मैं सईद अंसारी के पास जाना चाहता हूं भोपाल, उसके पहले सुनील जल्दी से एक छोटा सा कमेंट आपसे भी ले लेता हूं। नहीं रोहित जी, कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी जीत से खुश कम दिखाई दे रहे हैं, मोदी से आहत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं अभी भी। अब तो कम से कम इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि जनता उस चीज को स्वीकार कर रही है कुछ हद तक, जिसको वो कहने की कोशिश कर रहे थे और जहां हर बार इनको नकारा जा रहा था। नहीं, ठीक बात है, कांग्रेस के नेताओं को आज केवल जनता को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने जो एक घमंड वाली सरकार थी या जो तानाशाही की तरफ थी, घमंड मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो बयान कि 50 साल तक हमारी पार्टी नहीं हार सकती, तानाशाही वाली सरकार, मैंने इसलिए कहा कि बिना सोचे समझे देश में नोटबंदी कर देना, उन सबका जवाब मिल गया है। लेकिन रोहित जी, कांग्रेस आज जीती है उसको बधाई, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं कि अब जैसे आपने कहा कि अब डीजल का दाम राज्यों में क्या होगा, वहां का किसान की हालत क्या होगी, नौकरी आप कैसे इंतजाम करेंगे, क्योंकि जब सरकार आती है तो कई चुनौतियों के साथ आती है। अभी तक कांग्रेस केवल सवाल खड़ा करती थी, अब उसको जवाब देना होगा, उसको काम करना होगा। सईद अंसारी के पास एक बार चलते हैं भोपाल में। सईद अंसारी, वहां की तस्वीर जरा दिखा दीजिए जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, और ये बताइए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अब जस्ट मनाने लगे हैं कि नहीं, या अभी भी चिंता में है कि कहीं फंस ना जाए मामला। अरे नहीं 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 रोहित, यहाँ तो जश्न ही जश्न है। अब तो 114, 113, 115 और एक देखिए, हम दिखाएं आपको, यहाँ तो मुख्यमंत्री की बात हो रही है। थोड़ा सा अगर आपको दिखाएं तो यहाँ तो लॉबिंग शुरू हो गई है। अब यहाँ ये लॉबिंग हो गई है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो ये लगातार यहाँ पर बात। लेकिन चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर, आइए जी। अभी तो दे रहे हैं, अभी से जश्न कैसा? जश्न है, पहले से फिक्स है। अभी कहाँ 116 हुआ? अरे 135 पे आएंगे सर। कहाँ अभी 113? 135 प्लस ही रहेंगे, हमारा 140 का टारगेट है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धर्म और जाति और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर वोट मांगी है, उसका जनता जवाब देने को तैयार है। अभी तो 113 है, अभी से मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो आपको सुबह भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, 140 से ऊपर ही कांग्रेस की सीट्स आएंगी, और माननीय कमलनाथ जी का व्यक्तित्व जो कृतित्व है, उसकी वजह से आज पूरे मध्य प्रदेश का माहौल चेंज हुआ है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कमलनाथ जी को अध्यक्ष बना के भेजा, और कमलनाथ जी का जो विजन है, उस विजन से छिंदवाड़ा मॉडल से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य दिग्विजय सिंह, किसी का कोई रोल नहीं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। जरा देखिए दूर दूर तक, यहाँ ये कांग्रेस दफ्तर का हाल है,
और कांग्रेस ऑफिस में लगातार जश्न मन रहा है, लेकिन ये पक्की बात है कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता भी यहाँ पर नहीं आया है। जानकारी आपके पास, कांग्रेस का बड़ा नेता कोई नहीं आया, लेकिन कमलनाथ के पोस्टर आ गए। थोड़ी देर पहले जो लोग पटाखे फोड़ रहे थे वो ज्योतिरादित्य का कटआउट लेकर वहां पर आए थे, तो इस बात को लेकर अब अंदर खाने खींचतान शुरू हो गई है कि ज्योतिरादित्य या कमलनाथ किसको सीएम बनाएंगे। जश्न की तस्वीरें, प्रदीप गुप्ता जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, आप बोल सकते हैं अपनी बात जल्दी। 116 के आंकड़े पर कांग्रेस आ गई। दो तीन बातें मैं कहना चाह रहा हूं। कांग्रेस की तीनों राज्यों में जीत को देखते हुए सोशल मीडिया पे एक बहुत भारी चल रहा है कि मोदी जी योगी जी से पूछ रहे हैं अब क्या करें, तो योगी जी जवाब दे रहे हैं कि अब कांग्रेस का नाम बदल के बीजेपी कर देना चाहिए। ये एक चल रहा है, ये बहुत जबरदस्त है। दूसरी चीज ये है कि कम से कम अब ईवीएम से सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले सप्ताह में कांग्रेस ने ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने चालू किए तो हम लोग सब डर गए थे कि कहीं हमारा भी एग्जिट पोल तो गड़बड़ नहीं हो जाए। नहीं सर, लेकिन यहाँ तो आप फंस रहे हैं अभी। आलोक शर्मा, छत्तीसगढ़ में आप जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, मध्य प्रदेश में आप जीत जाते हैं ईवीएम ठीक है, राजस्थान में आप जीत जाते हैं ईवीएम ठीक है, तेलंगाना में आपका पत्ता साफ हो जाता है तो आप चुनाव आयोग के दरवाजे जाके खड़े हो जाते हैं कि ईवीएम सेट कर ली लोगों ने, वो भी बीजेपी ने सेट करा ली टीआरएस के पक्ष में। बीजेपी की एक सीट आ रही है। देखिए मैं समझता हूँ, देखिए रोहित जी, मैं मुझे लगता है क्लियर कट कांग्रेस पार्टी की पहले दिन से डिमांड रही है, और मैंने आप ही के साथ एक दिन कहा भी था कि चाहे हम पांचों राज्य जीत जाएं लेकिन ईवीएम का जो प्रक्रिया है और ईवीएम के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह है वो बरकरार है। ईवीएम अभी भी देखिए आप किस तरह से हाईवे के किनारे होटलों में पांच पांच ईवीएम बैलेट पेपर, जो पोस्टल बैलेट पेपर थे वो कहां कहां मिले हैं, पूरे देश ने देखा है। अगर प्रक्रिया में कोई कमी है, कोई खामी है, तो स्वाभाविक है कि इलेक्शन बोलेंगे चुनाव आयोग से कि वीवीपैट की दोबारा गिनती कराओ, हमें यकीन नहीं है जीत पर, तो स्वाभाविक है कि हम जाएंगे, बोलेंगे चुनाव आयोग से कि वीवीपैट गिनवाओ, हमें जीत पर यकीन नहीं है। हाँ ठीक है, अगर वीवीपैट का नहीं, मैं समझता हूँ अगर वीवीपैट, रोहित जी, अगर वीवीपैट की गिनती करवाई जाती है तो स्वाभाविक है वीवीपैट किस लिए लगा, आप ही ने कहा था ना पिछली बार जो लगी है कि अगर गिनती किसी को करानी है तो कराई जाए, उसमें कहां आपत्ति है। उसमें अब इलेक्शन कमीशन का, अब इलेक्शन कमीशन का दायित्व तो बनता है कि उसको सेटिस्फाई करे। वो प्रश्न चिन्ह प्रक्रिया पर है, प्रश्न चिन्ह किसी एक वस्तु पर नहीं, प्रश्न चिन्ह इस बात पर है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई क्या उसमें कोई खामी तो नहीं है, और अगर खामी है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। सर देखिए क्या है ना, कांग्रेस पार्टी आज भी डिमांड करती है ऑफिशियली कि लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। चलिए सर, अच्छा हुआ आपने ये नहीं कहा कि हाथ खड़े करके तय कराना चाहिए इस देश में जनता को एक जगह चौराहे पे बुला के। नलिन कोहली कमेंट करना चाह रहे हैं, कुछ कर लीजिए, फिर मैं अंशुमान जी से कमेंट लेता हूं ईवीएम की बात पर, बोलिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है रोहित जी, आप नहीं सर, पाषाण युग में मत ले जाइए ना देश को। एक तरफ आप कहते हैं कि कंप्यूटर हम लेके आए इस देश में, मुझे बड़ा आनंद मिल रहा था क्रांति की शुरुआत की, आप दूसरी तरफ कहते हैं कि बैलेट पेपर से कराओ, पाषाण युग में चला गया। नहीं नहीं सर ठीक है, पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, तो क्या यूरोप जो है वो बैलेट पाषाण युग में चला गया? आप अमेरिका नहीं है सर, क्या हिंदुस्तान 20 साल पहले, नहीं नहीं साहब 20 साल पहले की मिसाल दूंगा तो आप कहेंगे कि अमेरिका से मत बोलिए, हिंदुस्तान और अमेरिका की तुलना नहीं हो सकती। अमेरिका लेकिन यहाँ जहाँ आपको सूट करता है वहाँ अमेरिका भी जाने को तैयार हो जाता है। केवल एक विषय पर, एक बिंदु पर तोलना चाहता हूँ। जी पार्टी दफ्तर में अगर आप, तो मीठा मंगाइए, कुछ मुंह मीठा कीजिए, आसपास के लोगों का भी मुंह मीठा कराइए। अच्छा दिन है आज, जीतेंगे तब भी आपको खुश होना चाहिए। आज गुस्सा छोड़ दीजिए आज थोड़ी देर के लिए। नलिन कोहली अपनी बात कहिए, उसके बाद अंशुमान जी से कमेंट लेता हूँ। वो सब ठीक है। नहीं नहीं रोहित जी बिल्कुल गुस्सा नहीं, मैं इनफैक्ट मैं आपसे कहना चाहता था कि मैं कोई ऐसा स्क्रिप्ट लेकर आया नहीं हूँ जिसमें मुझे 25 गालियां और सुनानी पड़े जो रोज रोज सुनाई जाए, लेकिन जरूर कहूंगा कि मैं शुक्रगुजार हूं आलोक भाई का कि इतनी देर से वो बोल रहे हैं, और बोलना चाहिए। अभी तो अभी सरकार बनी नहीं, उसका मॉडल का अच्छा नमूना उन्हीं के माध्यम से सबको दिख रहा है। ये रिपोर्ट कार्ड हम दिखा रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी का, अब तक का जो रिपोर्ट कार्ड रहा है उसमें अब जाके जीत 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 दर्ज हुई है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी उनकी पार्टी कंफर्टेबली इस समय आगे दिख रही है। हिमाचल में हार हुई थी, गुजरात में हार हुई थी, त्रिपुरा में हार हुई थी, लेकिन आज के तीन राज्यों में जो हार हुई, जो जीत हुई है उससे काफी हद तक पिछला कवर अप हो जाएगा। कर्नाटक में उन्होंने सरकार बनाई। अंशुमन जी, ईवीएम पर सवाल जायज है आपको लगता है? ईवीएम की बहस रोहित काफ़ी तकनीकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ईवीएम पर सवाल उठाती रही। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, इस समय सांसद, उन्होंने पूरी किताब लिखी थी ईवीएम को कैसे हैक किया जाता है उसके ऊपर, जीवीएल नरसिम्हा राव ने। और उस दौरान जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बड़ी चर्चा थी,
सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। कोई भी तकनीकी मशीन ईवीएम के तरीके की मशीन हैक की जा सकती है, पर दिक्कत है कि इसकी राजनीति चुनाव नतीजों के हिसाब से बदलती रहती है। नतीजे हमारे पक्ष में है तो ईवीएम बेहतर है, नतीजे विरोध में है तो ईवीएम खराब है। मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दलों के खाते में ईवीएम की अच्छाई और बुराई के नतीजे दर्ज हो चुके हैं। चुनाव आयोग के साथ बैठकर सभी राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।